बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जिनको आप डायरेक्ट ही एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जिनको आपको लॉगिन और साइन इन करना होता है। बहुत सारे ऐसे यूजर्स है, ऐसे लोग हैं जिनको बोल दिया जाए कि लॉगिन और साइन इन क्या होता है तो वो बोलते हैं कि एक ही होता है। अब रख लीजिए, कल ही के डेट में मैं साइबर कैफे में गया, वहाँ पे एक लड़का से पूछा था कि लॉगिन और साइन इन क्या होता है, तो वो बोलता है कि लॉगिन और साइन इन एक ही होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि लॉगिन और साइन इन एक ही नहीं होता, इन दोनों में जो है काफ़ी बड़ा डिफरेंट होता है, काफ़ी बड़ा फर्क होता है। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियो पाइए आप रोजाना। तो चलिए हम डिटेल्स में आपको बता देते हैं कि लॉगिन और साइन इन क्या होता है और इन दोनों में क्या बड़ा डिफरेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Shut up and sit down. अब कल ही की बात है, मैं साइबर कैफे में गया था, वहाँ पे एक लड़का कंप्यूटर चला रहा था और उनसे मैं पूछा कि भैया लॉगिन और साइन इन में क्या फ़र्क होता है, तो वो लड़का बोला कि भैया लॉगिन और साइन इन ना एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। मैं उनसे बोला कि भैया ये ना अलग अलग होता है, एक ही नहीं होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ कि लॉगिन और साइन इन में क्या डिफरेंट है और ये अलग अलग है या एक ही है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बनिएगा। तो जैसे आप जब आप फेसबुक पे लॉगिन होते हैं तो वहाँ पे आपको लॉग आउट का ऑप्शन आता है। लॉगिन होने के बाद फेसबुक में जितने टाइम तक आप उसमें लॉगिन रहते हैं, किसका पिक लाइक कर रहे हैं, किसका डिसलाइक कर रहे हैं, कितने टाइम तक किसका पिक देख रहे हैं, किसका नहीं देख रहे हैं, वो सारे के सारे जो है डेटा आपको जो है फेसबुक में रिकॉर्ड रहता है। ट्विटर का रख लीजिए, ट्विटर में आप लॉगिन होते हैं, कितने टाइम तक किसका आप ट्विटर पढ़ते हैं, मैसेज पढ़ते हैं, वो सारे के सारे आपको वहाँ पर रिकॉर्ड रहता है। उसी तरीके से अमेजन रख लीजिए, फ्लिपकार्ट रख लीजिए, वहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन आता है और इसके बाद आपको साइन आउट का ऑप्शन आता है। तो साइन इन करने के बाद आप किसका प्रोडक्ट देख रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट देख रहे हैं, कितने टाइम तक देख रहे हैं, किसका लाइक कर रहे हैं, किसका डिसलाइक कर रहे हैं, कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट देख रहे हैं, वो आपका डेटा वहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रहता। पहले था कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पे लॉगिन का ऑप्शन आता था, बट अब कंपनी ने वहाँ पे साइन इन का ऑप्शन कर दिया है, वहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आता है, साइन आउट का ऑप्शन आता है। तो वहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन या बहुत सारे ऐसे जो है वेबसाइट है जहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे अगर आप साइन इन होकर कुछ देख रहे हैं, किसको लाइक कर रहे हैं, किसको डिसलाइक कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कुछ भी डेटा आपको रिकॉर्ड नहीं रहता है। ये फ़र्क होता है लॉगिन और साइन इन में। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि लॉगिन और साइन इन क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। फेसबुक रख लीजिए, ट्विटर रख लीजिए, उसमें आपको लॉगिन करना होता है और जितने टाइम तक आप कुछ भी देख रहे हैं, लाइक डिसलाइक कर रहे हैं और इसके बाद लॉग आउट का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर आपको डेटा वहाँ पर रिकॉर्ड रहता है कि आप क्या देखे क्या नहीं देखे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि साइन इन और लॉगिन क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। अगर आपसे अब कोई पूछ दे कि लॉगिन और साइन इन क्या होता है, तो अब आप बहुत ही ईजिली उसको समझा सकते हैं कि लॉगिन का ये मतलब होता है और साइन इन का ये मतलब होता है। तो अब आप उनको बहुत ही ईजिली समझा सकते हैं अगर आपसे कोई भी पर्सन पूछ देता है कि लॉगिन और साइन इन का क्या मतलब होता है। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि लॉगिन क्या होता है और साइन इन क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंट है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।